छोटा वाला के जी एल चर्च चैनपुर गुमला लिखा हुआ है इसके बोर्ड पर। दोस्तों ये है लुथरन हाई स्कूल चैनपुर का और हम लोग आए हैं यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए। तो मेरे पीछे आप देखिए ये सेंटर है और थोड़ी देर में ही अभी हम लोग वैक्सीन लेंगे। 10 लोग जब जमा हो जाते हैं तब दिया जाता है, लेकिन अभी 10 लोग हुए नहीं हैं तो इंतज़ार किया जा रहा है। जब 10 लोग हो जाएंगे तो एक साथ सबको दिया जाएगा। और आसपास के बारे में बता दूँ, देखिए यहाँ पर चारों पेड़ ही पेड़, और ये सामने आप देख रहे हैं ये चीड़ का पेड़ है और सामने ये अशोक का पेड़। तो यहाँ पर पूरा हरियाली हरियाली है, पूरा ग्रीनरी भरा हुआ है और मौसम भी आज देखिए दोस्तों कैसा है, पूरे बादल। थोड़ी देर पहले ही बारिश हो रही थी तो अभी बारिश बंद हुई है। तो चलिए चलते हैं, टाइम हो गया है वैक्सीन लेने का। अंदर अगर अलाउड होगा तो हम दिखाएंगे आपको वैक्सीन लेते। दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं वैक्सीन लेके, वीडियो और फोटो मैंने लिया तो है, देखूंगा कि कैसा आया है उस हिसाब से मैं डाल दूंगा। दोस्तों दिन भर से बारिश हो रही है और देखिए आप जगह जगह पानी भरा हुआ है। ये हम लोग गए थे इस गेट के अंदर। दोस्तों यह है लुथरन स्कूल का कंपाउंड और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत पुराना एक घर बना हुआ है, अंग्रेज़ों के ज़माने के टाइम का लग रहा है। तो ये है वो स्कूल, देखिए जी एल चर्च चैनपुर गुमला लिखा हुआ है इसके बोर्ड पर। और अभी हम लोग आए थे यहाँ पर वैक्सीन लेने और जा रहे हैं अभी बाज़ार की तरफ। तो तबीयत जैसा तो कुछ ख़राब लग नहीं रहा है, लेकिन कल पता चलेगा कि तबीयत ख़राब होता है कि नहीं। अभी तक तो जितना भी एक्सपीरियंस मेरा है बाकी लोगों का कि तबीयत ख़राब होता है, लेकिन हमारा होता है कि नहीं कल पता चलेगा 24 घंटे के बाद। और दोस्तों भूख तो काफ़ी लगी है क्योंकि सवेरे से केवल नाश्ता किया है हमने, देखते हैं कहीं खाने का मौका मिलता है तो खाएंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों चैनपुर बाज़ार, यहाँ से थोड़ी दूर पे है, पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि बाइक अभी नहीं है, बाइक को लेके चला गया दया मेरा दोस्त, आएगा कुछ देर में वो। तब तक मैं आपको चैनपुर का बाज़ार भी दिखा दूँगा और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ वो भी देखिए आप। दोस्तों वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा नाश्ता कर रहे हैं एक जगह बैठ के चैनपुर के मेन रोड में, और बालूशाही। तो इसको ख़त्म करते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे बाज़ार के पास। दोस्तों यह है बस स्टैंड चैनपुर का, बस स्टैंड तो क्या, रोड किनारे ही बस खड़ा होता है और यहीं से लोग चढ़ते हैं। अभी सीधे हम जा रहे हैं गुमला की तरफ और ये बस आ रही है गुमला से ही, पीछे चले जाएंगे तो ये चला जाएगा महुआ डाड़ और डुमरी। तो ये है यहाँ का बस स्टैंड, देखिए आज बाज़ार का दिन भी है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल पौधे, बरसात का दिन इसीलिए आम के पेड़ कटहल के पेड़ ये सारे बिक रहे हैं यहाँ पर। और इस देखिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो छोटा सा ये जगह है जहाँ पर सभी गाड़ियाँ रुकती हैं और लोग आवाजाही करते हैं। दोस्तों हम अभी घुस रहे हैं चैनपुर बाज़ार के अंदर और देखिए कितनी भीड़ है, बाएं और दाहिने छोटे छोटे दुकान और लोग सामान लेकर लौट रहे हैं। और अभी ये चौक दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चौक है, ये परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक है। परमवीर अल्बर्ट एक्का के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, उनको 1971 में मिला था परमवीर चक्र भारत और पाकिस्तान युद्ध में।
त्रिपुरा बॉर्डर पर शहीद हुए थे और इनका गांव ही कुछ ही दूरी में है यहाँ से, तो उनकी याद में ये चौक बनाया गया है, अल्बर्ट एक्का परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक। और यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इस साइड देखिए खूबसूरत बक्से बिक रहे हैं ट्रंक। दोस्तों ये आ गए हम लोग चैनपुर बाज़ार के अंदर, और देखिए बाज़ार घुसते के साथ गुपचुप फुचका लोग खाने में लगे हुए हैं, और यहाँ पर बिक रहा है चप्पल और इसके आगे बिक रहा है कपड़ा। तो अभी अभी बारिश हुई थी और चारों ओर देखिए कीचड़ ही कीचड़ लगा हुआ है, सब तरफ कीचड़ ही कीचड़। और छोटे छोटे होटल में दोस्तों यहाँ पर समोसे बिक रहे हैं, समोसे पकोड़े। ये दोस्तों गाय बैल को बांधने के लिए रस्सी जिसको जोरी बोलते हैं। और देखिए टमाटर कैसे किलो करेली, 40? अच्छा। तो दोस्तों सब्जियाँ महंगी हो गई क्योंकि बरसात शुरू हो गई है, बरसात में क्या होता है खेत में पानी भर जाता है और फसल ख़राब हो जाती है, तो सब्जियां ऑटोमेटिक महंगी हो जाती हैं। ये पूरा गांव जैसा बाज़ार है दोस्तों, एक आप देखिए यहां बिक रहा है नींबू और सिंगार का सामान यहां पर भी। इधर सब सब्जियां है, सब्जी यहाँ पर देखिए दोस्तों ये झोपड़ी लगाकर धुसका बेच रहे हैं लोग। गरम है बताएंगे। इधर भी सब्जियां ही सब्जियां, और यहाँ पर देखिए किराने का सामान। हाँ यहाँ पर है क्या है करील। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मिठाई है और ये लोकठो है ना, दोनों लोकठो है, चीनी का है गुड़ का। अच्छा इकर फोटो लेवन ना, फोटो लेवन इका है कि घंटी गरु कर। देखिए दोस्तों यह है बैल के गले में टांगने वाला घंटा, कितना रुपया करेगा? 150 इका करेगा टीन कर, टीना कर, टीना करेगा तभी 150। अरे सब छोटा वाला बढ़िया है। अरे तो जोरी मन्नी ये सब है दोस्तों बैलों को बांधने के लिए रसिया जिसको जोरी बोलते हैं।
दोस्तों अभी हम लोग बाजार के किनारे किनारे लगा रहे हैं चक्कर, ताकि कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिले करके। और यहाँ पर देखिए कुछ पत्ते और दतवन, ये वो पत्ता है दोस्तों जिससे गुंगू बनाए, गुंगू मतलब बरसात के दिनों में जिसको पत्तों से बनाकर ओढ़ते हैं पानी से बचने के लिए। तो बरसात के दिन में आपको पता है छाता का कारोबार कितना बढ़ जाता है, यहाँ इधर छाता का दुकान है, इधर जिधर भी देख रहे हैं छाता का रिपेयर शॉप या तो फिर नए नए छाते बिक रहे हैं। और हम आ गए हैं एक दूसरे किनारे की तरफ। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बड़ा बाज़ार तो नहीं है, लेकिन जितना भी बड़ा बाज़ार है यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ता है, जिस तीन चीज़ों का। और यहाँ पर देखिए कुछ जड़ी बूटियाँ, ये कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, नाखे मनोज कहाँ से गेल। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है खैनी, ये पूरा पत्ता है, इसको काटते हैं और तब खाते हैं जो खाने वाले होते हैं। खैनी मतलब कि तंबाकू, तो केंदु पत्ता भी इसको बोला जाता है। अभी निकलेंगे बाहर, हम कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा ऐसा दिखाने का जो आपको शायद देखने को नहीं मिलता हो ऐसे ही। तो ऐसा तो कुछ अभी है नहीं, थोड़ी देर में ही हम लोग निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि जितना घूमना था यहाँ हम घूम चुके और लगभग हर कोना इस बाज़ार का हमने कवर कर लिया है। तो अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में। दोस्तों ये जो हरा हरा छोटा छोटा फल आपको दिख रहा होगा, ये है कुंदरी का फल, और इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं, जैसे जिसका ब्लड ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो कुंदरी के पत्ते या इसके फल खाने से बहुत लाभ मिलता है। और आपको पता ही होगा कि ब्लड गाढ़ा होने से हार्ट अटैक का खतरा भी होता है, तो गांव देहात में वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं दोस्तों जो स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त हैं। और यहाँ केमिकल का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है जैसा शहरों में जो सब्ज़ियाँ मिलती हैं उनमें होता है। तो इसीलिए दोस्तों लोग बाज़ार, गांव देहात वाले बाज़ार से ही सामान लेने की कोशिश करते हैं, खासकर सब्जियाँ। दोस्तों अभी आप लोग सुन रहे होंगे लाउड स्पीकर में जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो असल में खाद खुजली दिनाई गांव थोड़ा सुनती है, जो दवाइयां होती है देहात वाली उसको देहाती दवाइयां बोलते हैं हम लोग, दर्द के लिए या दांत बनवा के लिए कर दर्द चक्कर हाथ का पा रही है, वो सब अनाउंसमेंट कर करके यहाँ पर बिकता है। दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं बाजार के बाहर और लगभग आधा घंटा 45 मिनट हम लोग बाज़ार में रहे और आपको दिखाया कि कैसा है गांव देहात का बाज़ार। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहां से और ये सामने ये वाला रास्ता रोड को मेन रोड को जाती है। तो दोस्तों अभी हम लोग वैक्सीन भी लिए और बाज़ार भी घूम लिए और अभी जा रहे हैं हम लोग रूम, क्योंकि कल कहीं और भी जाने का प्रोग्राम है। अगर वैक्सीन का असर कम हुआ और बुखार नहीं आया
तो हम लोग जाएंगे, आपको दिखाएंगे एक नई जगह। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे पुराने ब्लॉग भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग एक नई जगह से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।